ये उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आपके आने से हमारा विभाग में अस्पतालों की व्यवस्था और मजबूत होगी, बेहतर होगी और आप दिल लगा करके, मन लगा करके मरीजों का सेवा करेंगे। आप लोग कोई एएनएम किया हुआ है, कोई जेएनएम किया हुआ है, कोई लैब टेक्नीशियंस है, उचित पढ़ाई करके, ट्रेनिंग कर करके लोग यही उम्मीद करता है कि भाई उसको नौकरी मिल जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोगों का प्रयास है कि जितने रिक्त पदे हैं विभागों में उसको हम लोग भरने का काम करें और जहां पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है, हम बिहार के लोग फिर से इतिहास रचे, बिहार एक बार फिर से करके दिखाए, एक देश को रास्ता दिखाने का काम करे और हमारी नई महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी 2 महीने कुछ ही दिन हुए हैं और लगातार हजारों की संख्या में लोगों को नौकरियां मिल रही है। हम दिल से बधाई देते हैं और ये उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आपके आने से हमारा विभाग में अस्पतालों की व्यवस्था और मजबूत होगी, बेहतर होगी और आप दिल लगा करके, मन लगा करके मरीजों का सेवा करेंगे। और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे बड़ा क्या बात हो सकता है और इससे बड़ा दिवाली का क्या तोहफा हो सकता है आप सब लोगों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको देने का काम किया। नौकरी देने का उद्देश्य आप सब लोग जानते हैं। आप लोग कोई एएनएम किया हुआ है, कोई जेएनएम किया हुआ है, कोई लैब टेक्नीशियंस है, उचित पढ़ाई करके, ट्रेनिंग कर करके लोग यही उम्मीद करता है कि भाई उसको नौकरी मिल जाए, रोजगार की व्यवस्था हो जाए। और हमारे सरकार ने लगभग हर विभागों में, हमारी नई जो महागठबंधन की सरकार है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम सब लोगों का प्रयास है कि जितने रिक्त पदे हैं विभागों में उसको हम लोग भरने का काम करें और जहां पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है, हम बिहार के लोग फिर से इतिहास रचे, बिहार एक बार फिर से करके दिखाए, एक देश को रास्ता दिखाने का काम करे और हमारी नई महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी 2 महीने कुछ ही दिन हुए हैं और लगातार हजारों की संख्या में लोगों को नौकरियां मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। आने आने वाले समय में प्रत्यय अमृत जी ने आपको सारी बात तो बता दी, स्वास्थ्य विभाग ही अकेले 1.5 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी बात है, कोई कल्पना नहीं किया होगा कि इस तरह से काम होगा। और हम तो तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि वो केवल बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बिहार के लीडर हैं, हमारे गार्जियन हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग और उनके संरक्षण में जो हम लोगों ने वादा किया था उसको हम लोग मिलकर के पूरा कर रहे हैं। और जहां भी जरूरत होती है सलाह की या बिहार को एक नया रास्ता दिखाना होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता का सेवा करने से पीछे नहीं हटते, हमेशा आगे खड़े रहते हैं। बिहार की जनता का सेवा करने से पीछे नहीं हटते, हमेशा आगे खड़े रहते हैं। और आप कल्पना कीजिए, साथ ही साथ आज 2 मेडिकल कॉलेज अस्पताल का बेगूसराय और बक्सर में ये सौगात भी लोगों को दिया है, आज इसका शिलान्यास हुआ है और लगभग 224 करोड़ का कई योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। हर एक चीज पर हम लोगों का ध्यान है, माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक चीज बारीकी से सारी चीजों को देख रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ये जिम्मेवारी दी है कि बिहार के हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज से अस्पताल खोला जाए। तो आप समझ सकते हैं
जितना मेडिकल कॉलेज खुलेगा कितना काम लोगों को मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जितना कॉलेज खुलेगा, अस्पताल खुलेगा, उतने तादाद में हम लोगों को नौकरियां भी देनी पड़ेंगी, और तरह तरह की नौकरियां हैं स्वास्थ्य विभाग में। और ये एक बड़ा पहल, एक दूरदर्शिता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया है, हम सब लोगों को जो है इनको धन्यवाद देना चाहिए। और लगातार हम लोगों को समय समय पे हमेशा हमारे विभाग को गाइडलाइन दिखाना हो, समर्थन करना हो, इनका हमेशा पूरा सपोर्ट मिलता है। और आप सब लोगों को हम पहले भी कहे थे कि बिहार मॉडल, जो नौकरी देने वाला जो बिहार का मॉडल है, जो नीतीश कुमार जी का महागठबंधन का मॉडल है, उसको देश अपनाने का काम करेगा। आप सोचिए, हम लोग सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटने लगे। अब सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी कल जो है 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो इसका क्या